अपने पति को झूठे मामले में फंसाए जाने की शिकायत को लेकर एक पीड़िता पुलिस अधीक्षक से मिली, जहां उसने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। मामला थाना करहल क्षेत्र से जुड़ा है। थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर की रहने वाली पिंकी पत्नी प्रमोद कुमार दर्जनों लोगों के साथ शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने पुलिस अधीक्षक से गांव के ही रहने वाले सतीश चंद्र पुत्र अवध कुमार की ओर से उसके पति प्रमोद कुमार व उसके पुत्र रोहित कुमार को झूठे जानलेवा हमले के मामले में फंसाए जाने की शिकायत दी है। महिला का कहना है कि सतीश चंद्र का उसके पति से कोई विवाद नहीं है, बावजूद इसके उसने अपने हाथ में स्वयं गोली मारकर उसके पति और पुत्र को झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष और बारीकी से जांच कराए जाने की मांग की। क्या हुआ था, पूरी मामले की जानकारी क्या है, क्या है पूरी बात? मेरे पति को गलत फंसाया गया है, मेरे बच्चे को। अवध सिंह के भाई ने भाई को खत्म कर दिया था इनके भतीजे ने, और उनकी दो बीघा खेती थी, उनकी लड़की ने मुझे मेरे पति को खरीदी दे दी थी। आज एसपी ऑफिस आए हो, क्यों आए हो, क्या पूरा मामला है? हमारे चाचा को, मेरे भाई को नाजायज फंसाया जा रहा है, इसलिए आए। कौन नाजायज फंसा रहा है? अवध सिंह। क्या हुआ था, क्या रीजन? पूरी रीजन ये, उनके भाई और उनके भाई और उनका बेटा मारा गया था, उनके रियल बेटे ने मारा था, और मामले में उनकी बेटी खेत जो बेच गई थी वो चाचा ने ले लिया, और मामले के चक्कर में वो फंसा रहे मेरे चाचा को और मेरे भाई को। क्यों फंसा रहे हैं, कौन फंसा रहा है इन लोगों को? अवध सिंह और उनके बेटे। तो इसलिए क्या मसला है जिसमें लोग आप यहाँ पर आए थे? हम साहब कप्तान साहब से शिकायत करने आए, जो झूठी मुकदमा लिखा गया है थाना करहल में 307 का, ये 7 तारीख की घटना सुबह की बताई जा रही है, जो फर्जी तरीके से लिखाया गया है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस इसमें साहब कुछ नहीं कर रही, पुलिस तो जान, जबकि सब पुलिस पूरी घटना जानकारी है पुलिस को, इस संबंध में पुलिस पूरा ब्यौरा जानती है। तो क्या हुआ, क्या मतलब गोली खुद मारी यहाँ पे? खुद, हाँ खुद स्वयं मारी उसने, बिल्कुल गोली लगी नीचे है, बिल्कुल खाल में घसती है, अंदर है ही नहीं बिल्कुल। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है कि एक लड़का है, उसने अपने सौतेली माँ, सौतेला भाई और पिता को मार दिया था करीब लगभग 3 साल पहले। उस घटना को लेकर उस जमीन वो थी, वो लड़की उसकी बहन जो उसके नाम आई और लड़के के नाम आई, वो लड़का जेल में है। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिले, हम अन्याय नहीं चाहते, हम जो जांच में सही पाया जाए। अधिकारियों से बात हुई है अभी? आप अधिकारियों सीओ साहब से हुई है, जो बता रहे हैं कप्तान साहब ने भेजा था उनको। क्या हुआ, क्या कहा? वो प्रार्थना पत्र ले गए हमारा, उन्हें हमने पूरी घटना से अवगत भी कराया है। पड़ोसी गांव के। जी जी दुबे जी, क्या मामला है जो ये फर्जी बता रहे हैं, मुकदमा लिखा दिया गया? इनका कोई जमीनी विवाद था, तो उसके चक्कर में इनने गोली वोली क्या किया है। ये बहुत भले लोग हैं, प्रमोद वगैरह बहुत चाचे गांव वाले जानते हैं, सारे लोग गांव में की आई है, 4-5 ट्रैक्टर भर के आई है सर, फर्जी फंसा के। पुलिस की क्या भूमिका अभी तक इसमें? पुलिस तो सब समझ रही सर, जो गाँव में गई थी ना वो जान गई। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनपुरी, ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा, सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध, इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर एक्सीडेंट एवं गनशॉट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, दसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, AC की सुविधा, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315, 7830145860, 8923901376।